सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम अच्छी हूँ। मेरे घर वाले भी अच्छे हैं और आज का वीडियो जो है वो आपने देख ही लिया, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना हिजाब कैसे बांधती हूँ। तो ये सारे बहुत सारे टाइम से क्वेश्चन आ रहा था, मुझे बहुत अच्छे से सारी चीजें नहीं आती है, मैं अभी अभी जस्ट सीख रही हूँ। लेकिन मैंने जो अपने हिसाब से और अपने फेस के हिसाब से, स्पेशली जिनके चौथी चीज है और राउंड फेस है, उसके हिसाब से मुझे ये हिजाब बांधना अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो उसका अंदर का जो हिजाब कैप है, जो उसका अंदर में जो ये बांधती हूँ वो कैसे बांधती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, मैं जो अंदर पहनती हूँ अपने हिजाब के, वो मैं दूसरे हिजाब से या कोई भी स्टोल से या कोई भी दुपट्टे से, सॉफ्ट वाले कॉटन के, मैं उसको इस तरह से बनाती हूँ। मैं हिजाब कैप नहीं पहनती हूँ, इसे थोड़ा सा जो उसका वॉल्यूम है वो ज्यादा वॉल्यूम भी मतलब नहीं आता है, लेकिन एक सही से स्ट्रक्चर हो जाता है जिससे हिजाब एकदम सेट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये कैसे बांध। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो अंदर हिजाब कैप बनाना है हमें उसके लिए क्या करना है, एक स्टोल लेना है, एक ऐसा हिजाब लेना है, लेकिन ये क्रिंकल वाला नहीं लेना है, इससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है। अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मैंने ये पहना एकदम पतला कॉटन का वो लेना है। उसके बाद आपने ये से लिया, मैं इसको भी ऐसे डाल के रखी हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद हमने इसको ऐसे डबल कर लिया और इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे इतना, और आ लेना है ऊपर। इसको ऐसे लिया और हम ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और इसको लेके हम यहाँ पे पीछे ट्राई कर लेंगे। अंदर मैंने किया हुआ है ना, तो इस तरह से मुझे उलझन हो रही है, तो हम इसे एक बार ऐसे गठान बांध लेंगे और इसको लेके एक बार हम यहाँ लाएंगे। पिन भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है और ये वाला जो है इसको ऐसे वो करके और यहाँ से यहाँ लाएंगे और पीछे टाई कर लेंगे अच्छे से। और ज्यादा फिट करना है तो पिन भी लगा ले, वरना पिन लगाने की जरूरत नहीं। डबल डबल है इसलिए थोड़ा ज्यादा हाई लग रहा है, पीछे आराम से आप इसको ऐसे अंदर डाल सकते हैं। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी हिजाब लेना है जस्ट ऐसे। ये बहुत ऊंचा हो गया आपको सिर्फ बताने के लिए, ये हो गया अंदर कैसे बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना हिजाब कैसे बांधती हूँ। इस बॉर्डर पे मुझे ये लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस वाली हिजाब स्टाइल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए थे, ये वाला हिजाब स्टाइल डाला था। मैं हमेशा हर चीज, जब आपको कुछ चीज जल्दी करनी होती है और आप नया नया सीखते हो तो आप उसका सबसे इजी वो निकालते हो और आपको ज्यादा बेटर पता होता है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे टेस्ट के हिसाब से इस तरह के हिजाब स्टाइल अच्छे लगते हैं। ऐसे आप भी खुद का दूसरों को कॉपी कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से भी आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो ये था, यहाँ पे आपको एक पीछे एक पिन लगा लेना है, हो गया। और मैं अब आपको बताती हूँ मेरा फेवरेट हिजाब स्टाइल जो मैं यूजुअली करती हूँ, मेरे फेस पे भी सूट करता है क्योंकि मेरा फेस ऐसा चबी है, तो मुझे बहुत उससे मतलब अगर मैं ऐसे पूरा कवर करती हूँ ना तो मैं और ज्यादा मोटी लगती हूँ, लेकिन ठीक है। तो मुझे ये वाला हिजाब स्टाइल सबसे अच्छा लगता है, ये एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। ये दुपट्टा है, हर जगह लोकल मार्केट में मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है। तो ये शिफॉन का दुपट्टा है, इसको हमने से डबल फोल्ड कर दिया, यहाँ वाला थोड़ा छोटा रखा और इसको लंबा, और हम यहाँ पे ऐसे लेंगे और ऐसे पीछे ले जाएंगे और जिस जो साइड हमने पकड़ा था हम उस पर पिन कर देंगे, बस हो गया। और ये ऐसे, और क्योंकि जिसको मतलब हमें अगर कोई टाइट ड्रेस पहना है और हमें आगे से फ्रंट कवर करना है उसके लिए दुपट्टे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि लेंथ ज्यादा लंबी होती है। तो बस ये हो गया, कितना इजी है और बहुत ही हर कोई मतलब इसे दुपट्टे ले सकता है, जहाँ थोड़े से महंगे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा स्टाइल है, आप इसे जरूर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए है ना अच्छा, और मतलब फेस को भी सूट करता है, इसमें आप इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, ये देखिए। तो इसके साथ बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत इजी है और इसे फेस भी अच्छा, आप ऐसे डाल लें, अगर आपका ड्रेस लूज है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दुपट्टा होगा अगर लंबा होगा और सॉफ्ट मटेरियल होगा तो बहुत इजी रहेगा कोई भी स्टाइल क्रिएट करना, तो इसलिए मेरा ये फेवरेट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी कुछ नए स्टाइल के साथ, कोई नए रेमेडी के साथ या कोई नए ब्लॉग के साथ। तब तक ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और कमेंट्स में भी बताएं आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।